आज हम पढ़ेंगे कंपोस्ट निर्माण की विधियां। जो कंपोस्ट जो कार्बनिक पदार्थों के वायवीय और अवायवीय विघटन द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। उसमें सबसे पहले विधि है इंदौर विधि। इंदौर विधि की खोज सर्वप्रथम हावर्ड एंड यशवंडी वार्ड ने 1924 से 1931 के मध्य विकसित की थी जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन में साइंटिस्ट थे। जो ये इंस्टीट्यूट है जो इंदौर में है, ये इंस्टीट्यूट है जो इंदौर में इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये विधि विकसित की गई। इसमें जो फार्म अवशेष है, जो खेत से जो भी कूड़ा करकट प्राप्त होता है, जैसे फसलों के अवशेष वगैरह, गोबर, बिछावन वगैरह जो भी है, वो सारे इकट्ठे करके कंपोस्ट तैयार की जाती है। वायवीय विधि अर्थात जो गड्ढे होते हैं उसको खुला रखा जाता है, ऊपर से बंद नहीं किया जाता है। गड्ढे का आकार लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 से 8 फीट और गहराई 2 से 3 फीट रखते हैं। गहराई अधिक नहीं रखते हैं, 2 से 3 फीट ही रखते हैं और लंबाई चौड़ाई आवश्यकता अनुसार पशुओं की संख्या अनुसार कम या ज्यादा कर दी जाती है। इसमें जो गड्ढे को भरते समय सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि गड्ढा है जो एक ट्रेंच के आकार में बनाया जाता है, जो इस प्रकार है, ट्रेंच नुमा बनाया जाता है, खाई नुमा बनाया जाता है, जिसमें जिसका 3/4 यानी कि 75% लगभग भाग है जो सिर्फ भरा जाता है और 1/4 भाग है वो पलटाई के लिए खाली रखा जाता है। पलटाई इस पूरी विधि की मुख्य क्रिया है, अर्थात जो भी कंपोस्ट की परतें तैयार करते हैं खाद बनाने के लिए उसमें सारी परतों को पलटते रहते हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपघटित हो जाए। इसमें सबसे पहली परत है वो 3 इंच मोटी पशुशाला से जो भी कचरा प्राप्त किया जाता है, जैसे गोबर लीटर वगैरह सारे वो पशुशाला के कचरे से प्रथम परत बिछा दी जाती है रेक की सहायता से। रेक जो उपकरण होता है उसकी सहायता से, रेक की सहायता से बिछाई जाती है। इससे पहली परत के ऊपर दूसरी परत होती है जो राख और मूत्र की बिछाई जाती है। राख होती है जो मुख्यतः लकड़ी की राख है, वही काम में ली जाती है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। लकड़ी की राख होती है, इसमें पोटेशियम मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और मूत्र के साथ ये मिलाई जाती है। उसके बाद तीसरी परत 2 इंच मोटी गोबर की बनाते हैं। गोबर को उचित तरह से इसमें फैला देते हैं तीसरी परत में और पानी का छिड़काव करते रहते हैं। जब तक ये तीनों परतें लगातार तब तक बनाते रहते हैं जब तक गड्ढा भूतल से 1 फीट ऊपर तक न भर जाए। तो ये गड्ढा है वो भूतल यानी कि जो समतल जमीन है उससे 1 फीट ऊपर तक न आए तब तक ये तीनों परतें हैं इसी क्रम में बिछाते रहते हैं। और गड्ढा भरने के 10 से 15 दिन बाद पहली पलटाई कर दी जाती है। पलटाई करते समय पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। पलटाई मतलब इसको किसी उपकरण की सहायता से बार बार पलटा जाता है ताकि अच्छी तरह से विघटित हो जाए। प्रथम पलटाई के बाद दूसरी पलटाई की जाती है। दूसरी पलटाई प्रथम पलटाई के 15 दिन बाद में की जाती है। जो गड्ढे में ये जो कचरा वगैरह है उसको पहली पलटाई के 15 दिन बाद में पलट दिया जाता है और अंतिम पलटाई है 2 माह बाद कर दी जाती है। 2 महीने बाद इसकी अंतिम पलटाई की जाती है और 3 माह में ये कंपोस्ट खाद है जो सड़ गल कर तैयार हो जाता है, उपयोग में लिया जा सकता है। ये विधि है इंदौर विधि। इसके बाद दूसरी विधि है वो है बेंगलोर विधि, जो फार्म अवशेषों की जगह शहरी कचरे से कंपोस्ट तैयार करने की विधि है। ये वायवीय विधि अर्थात खुली रखी जाती है, उसको बंद नहीं किया जाता है और ये इस प्रकार से पूरी कंपोस्ट तैयार की जाती है। 3 माह में कंपोस्ट तैयार हो जाता है इंदौर विधि की सहायता से।